हाई गर्ज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू येट अना वीडियो आई होप यूल डूंगा आप लोग टाइटल से तो पढ़ ही चुके हो आज की वीडियो क्या होने वाली है तो मैं अभी रिसेंटली अपने मेकअप कलेक्शन से गो थ्रू कर रही थी एंड आई रियलाइज दैट आई अ लॉर्ड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक इ नफ टू डू फुल फेस ऑफ मेकअप एंड एनी वेज आप लोग काफी ज्यादा स्विस ब्यूटी से रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज मांगते रहते हो तो मैंने सोचा दिस वुड बी द परफेक्ट वीडियो टू डू क्योंकि अगर आप स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग और पर्सन हुट अ लॉर्ड इन टू मेकअप बट स्टिल वॉन्ट टू डू अटल बट अगर आप स्प्लर्ज नहीं करना चाहते हो इन मेकअप यू नो बहुत महंगे महंगे नहीं लेना चाहते हो तो स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है लाइक वन ऑफ द ऑफर अमेजिंग क्वालिटी इन वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस आई है बहुत सारे तो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ एंड समेम रिसेंट लॉन्चेस तो वो सभी मैं आज की वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ सो येस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एन ऑनस्ट नॉन स्पॉन्सर्ड स्विस्टी रिव्यू एंडुलेस ऑफ मेकअप Keep on watching this video till the very, very end. But if you're new to my channel, please consider it a token of support and hit that red subscribe button and the notification bell right next to it. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. ओके तो स्टार्ट करते हैं मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करूंगी सब नीचे लिंक कर दूंगी एंड एम आर पी स्क्रीन पे दे दूंगी मैं अपना स्किन केयर कर चुकी हूँ तो स्टार्ट करने से पहले हम लिप केयर करेंगे एंड फॉर दैट मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का न्यू लॉन्च है इट इज़ देर क्रेज टेंटेड लिप बाम विद कोकोआ बाटर ये क्रेज इन्होंने एक नई रेंज लॉन्च करी है एंड आई हैव प्राइमर को छोड़ के ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस रेंज एंड uh, ये इनका लिबाम है इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है लुक एट द पैकेजिंग इट इज़ हॉट पिंक और इसमें काफ़ी कूल cool, uh, इन्होंने ब्रांडिंग दे रखी है एंड जो मेरे पास कलर है इट इज़ इन द शेड ज़ीरो फोर कॉरल पिंक एंड द शेड इज रियली ब्यूटिफुल फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा शेड होगा लुक एट द शेड इट लुक सो ब्यूटिफुल मैं इस लिप बाम को काफी दिन से यूज़ कर रही हूँ आप देखोगे तो इसकी क्वान्टिटी कम हो चुकी है बिकॉज आई लाइक द शेड सो मच लाइक अगर मैं कुछ मेकअप नहीं करना चाहती हूँ बट आई वॉन्ट टू स्टेप आउट दिस इज़ अ लिप बाम दैट आई एम रीचिंग आउट टू बट इसका कलर तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है इट इज़ वेरी वेरी नरिशिंग माई लिप्स फील सुपर सॉफ्ट एंड अगर मेरे लिप्स ऐसे चार्प या ड्राई हो रखे हैं ये इंस्टेंटली उनको हाइड्रेट कर देता है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है आई थिंक एक घंटा डेढ़ घंटा मैक्सिमम लिप्स पे ये रहता है बट उसके बाद इसका टेंट तो लिप्स पे रह जाता है बट नरिशिंग वो जो हाइड्रेटिंग फैक्टर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है मैं लिप्स स्टार्ट फीलिंग ड्राई अगेन अगर आपको ऐसा चाहिए कि पूरे दिन वो लिप बाम चले सो दिस इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू बट अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए लाइक लिपस्टिक का ऑल्टरनेटिव सो यू कैन गो फॉर दिस डाइव इन टू द मेकअप सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव योर इज द ओ जी स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर अब मैंने मैक का स्ट्रोप क्रीम तो यूज नहीं किया हुआ है सो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये ड्यूप है कि नहीं है खुद से बिकॉज आई हैवन ट्राइड इट आउट बट अ लॉट ऑफ ब्यूटी इंफ्लुएंसर्स लाइक बड़े बड़े लोग भी जिन लोगों ने मैक के प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए हैं दे ऑल से दैट दिस इज द परफेक्ट ड्यूब फॉर मैक का स्ट्रोप क्रीम एंड आई विल अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस बिकॉज वाई आई नॉट लग लाइक ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एनी वेज मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे उतना ज़्यादा शाइनी मेकअप पसंद आता नहीं है बट दिस वन गिव्स लाइक वेरी डूई फिनिश टू योर स्किन एंड उतना ज़्यादा ऑयली एंड ग्रीसी नहीं लगता है मेरे फेस पे सो so, इस प्रोडक्ट को तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ इट इज़ बीन ऑलमोस्ट अबाउट अ ईयर नाउ कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ एंड मैं कहीं पर भी अगर ट्रैवल करती हूँ फंक्शन हैं कोई तो इस प्रोडक्ट को तो मैं ज़रूर लगाती हूँ सो आई रियोली रियोली लाइक दिस प्रोडक्ट अगर आप ड्राई स्किन टाइप हो तो ही तो आपके लिए एकदम परफेक्ट प्राइमर का, का काम करेगा बट बिकॉज मैं एक ऑयली स्किन टाइप हूँ तो मैं इसके ऊपर एक पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर भी लगाती हूँ एंड आई डोंट हैव दैट वन फ्रॉम स्विस ब्यूटी और मेरे पास स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन एंड पाउडर नहीं है सिर्फ यही दो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास नहीं है तो मैं फटाफट से अपना फेस फाउंडेशन एंड पाउडर करके आती हूँ ओके सो आई हैव अप्लाइड अ लिटिल बिट ऑफ बीबी क्रीम ऑन माय फेस मैंने बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं किया है एंड पाउडर करने से पहले आई रिमेम्बर्ड कि मेरे पास स्वेस्ट ब्यूटी का कंसीलर है ये है इनका लिक्विड कंसीलर इट इज़ क्वाइट अ हाइप्ड प्रोडक्ट एंड ऑल फॉर गुड रीजंस ये कंसीलर भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही थी आप लोगों ने अगर मेरे बहुत ही पुराने नाइका हॉल्स देखे होंगे तो मैंने तब परचेज किया था एंड ये मुझे अभी तक तो इसलिए चल रहा है बिकॉज ये मेरी शेड से थोड़ा सा लाइट आ गया था एंड मैं इसको हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ सो दैट इज़ व्हाट आई एम गो टूडे ये जो कंसीलर है ये बहुत ही ज़्यादा आराम से किसी भी हाई एंड कंसीलर को टक्कर दे सकता है बिकॉज इट इज़ सो अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल होने के साथ साथ इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी मतलब काफ़ी बिल्डेबल है मीडियम कवरेज तो आपको तुरंत ही मिल जाती है बट यू कैन बिल्ड इट अप टू फुल कवरेज इज़ वेल इज़ सुपर ब्लेंडेबल बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो एकदम एक्स्ट्रा लेयर आपकी स्किन पे एडिड नहीं दिखती है यू कैन सी कि ये कितने अच्छे से इसने मेरी अंडर आइज़ ब्राइटन अप कर दी है सो आई रियली रियली लाइक दिस कंसीलर एंड इस कंसीलर में मैं अपना शेड लेने की बहुत टाइम से सोच रही हूँ बट आई हैव सो मेनी कंसीलर्स टू फिनिश एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट प्रोडक्ट इसलिए मैंने अभी तक इसमें अपना शेड नहीं लिया है टू कंसील इसलिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ हाईलाइट करने के लिए बट इट इज़ अ व वेरी वेरी गुड कंसीलर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेकआउट किया है एंड यू नीड अ कंसीलर इन अ बजट नथिंग बेटर देन दिस वन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट नाउ मूविंग ऑन टू सम क्रीम फेस प्रोडक्ट्स तो मेरे पास ये है लिप एंड शीक टेन ये भी न्यू लॉन्च है अगेन वही स्विस ब्यूटी क्रेज रेंज से दिस इज़ द लिप एंड शीक मैकरोन एंड ये है मेरे पास इन दी शेड जीरो फोर पिंक जेली

कलर मैं ऐसे शेड्स प्रेफर करती हूँ सो so मैं इसको अपने हाथों की ही मदद से ब्लेंड करूँगी आई मीन विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्लेंडेबल अभी आप देखोगे आई डोंट इवन नीड अ ब्यूटी ब्लेंडर विद दिस एंड इट इज़ सुपर पिगमेंटेड लाइक मैंने सिर्फ बहुत थोड़ा सा लगाया था एंड ऑलरेडी आई नो दैट मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है बट कोई बात नहीं हम इसे ब्लेंड करेंगे दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट इट कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेबल है सो इट इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली अगर आपने इसे ज़्यादा भी लगा दिया यू कैन ब्लेंड इट आउट ईजिली एंड इसके बाद मैं वापस उसी ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूँगी सो दैट इट डजेंट लुक एक्स्ट्रा अगर आप लोग देख रहे हो एक अच्छा लिप एंड चीक टेंट तो यू कैन गो फॉर दिस वन बिकॉज एनी वेज जैसे मैं हमेशा आजकल बोल रही हूँ कि लिप एंड चीक टेंट्स आर द बेस्ट इन्वेंशन इन द मेकअप इंडस्ट्री बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू गेट रेडी इन लिटरली मिनट्स क्योंकि आपको सिर्फ ये चीकस पे और लिप्स पर लगाना है एंड ऑलरेडी यू लुक प्रेजेंटेबल एंड ये शेड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है सो मैंने अपनी अंडर आइज हल्की से पाउडर कर ली है बिकॉज वो क्रीज कर जाती हैं एंड अब हम लोग बढ़ेंगे अपने ब्लशर की तरफ सो मैं अपने क्रीम ब्लश को हमेशा पाउडर ब्लश से टॉपअप करती हूँ सो दैट इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग अदरवाइज आपका ब्लश सबसे पहले उड़ जाता है सो आई हैव दिस न्यू लॉन्च अगैन ये फिर से स्विस्ट ब्यूटी की क्रेज रेंज से है दिस इज द आई शैडो एंड ब्लशर डो तो आई थिंक ये जो क्रेज रेंज है ना इसका मेन यू ए यही है कि दे हैव मेड प्रोडक्ट्स इजी टू गो वाला है सो दे आर वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड आप टचअप के लिए भी अपने बैग में लेके जा सकते हो सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट एंड इसमें यहाँ पे मिरर तो kind of, so uh, so really like हाँ भी दे रखा है सो यू आर सॉटेड सो दिस वन इज इन द शेड जीरो टू रोज पार्टी सो इसका ब्लशर इज अ ब्यूटिफुल पिंक कलर कूल टोन पिंक है एंड इट विल गो वेल विद माई ओवरऑल लुक एंड जो मैंने नीचे क्रीम ब्लश लगाया है इट विल कॉम्प्लीमेंट दैट शेड इज़ वेल इट इज़ वेरी पिगमेंटेड मैं इसे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेती हूँ ऑन द बैक ऑफ माई हैंड बिकॉज इट इज़ सुपर पिगमेंटेड एंड ऑलरेडी मैं ब्लश का ब्लास्ट कर चुकी हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा ब्लश अभी ज़रूरत लग नहीं रही है सो so, मैं हल्का हल्का ही लगाऊंगी तो so, अभी आईज़ के लिए ये जो मेरे पास कलर है ना इसमें ऐसा वाइन वाली फैमिली में दे रखा है सो आई एम थिंकिंग टू क्रिएट काइंड ऑफ अ हेलो आई मैंने काफ़ी टाइम से हेलो आई क्रिएट की भी नहीं है सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट बिफोर दैट आई नीड टू प्रेप माई आई उसके लिए मैं वापस स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज करूंगी A few moments later. Now that that's done, मैं पहले आप लोगों को ये सारे शेड्स के स्वॉचेस दिखा देती हूँ हाउ इट लुक्स लाइक ऑन द हैंड माई गॉड द पिगमेंटेशन इज अमेजिंग आई एम ऑलरेडी लविंग दिस पैलेट ऑल्दो मैंने इसकी शिमर शेड्स पहले स्वॉच करके देख लिए थे लाइक इफ़ आई गेट अ न्यू मेकअप प्रोडक्ट मैं उस स्वॉच के बिना रह नहीं पाती बट मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया आइज़ पर तो सबसे पहले जो इसका लाइटेस्ट शेड है मैं उसको पूरी लिड पर पैक कर लूँगी ताकि मेरा कंसीलर थोड़ा सा सेट हो जाए आई कैन सी इट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड द पिगमेंट इज शोइंग अप ऑन द आईलिड इज वेल वरना कुछ कुछ आई शेडोज ऐसे होते हैं जो हैंड्स वॉच में तो काफ़ी पिगमेंटेड लगते हैं बट दे शो अपन द आईलिट दैट मच एंड दिस इज नॉट वन ऑफ दोज स्टार्ट अटल लाइटर क्योंकि बिल्डअप आप कर सकते हो बट बहुत ज्यादा एक ही साथ लगा दोगे तो इट विल टर्न आउट पैची तो जस्ट आपको ऐसे पैक करना है आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे एंड जस्ट ब्लैंड आउट द एजेस डोंट गो अलॉट ओवर द क्रीज क्योंकि वहां पर हम ट्रांजिशन शेड लगाएंगे अगेन ट्रांजेक्शन के आई एम यूजिंग द सेम लाइटर शेड एंड आई व्लेंड इट आउट कि दे आर सुपर इजिली ब्लेंडेबल काफ़ी ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो गए हैं दर इज़ नो हार्श लाइन वट्स एवर दिस वन इज़ गुड यू कैन गो फॉर दिस वन मैंने लाइटर वाला शिमर लगाया है सो दैट इट पॉप्स आउट मोर क्योंकि जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल डार्क वाली शेड के जैसा ही है सो आई एम स्कीपिंग ऑन दैट टूडे तो मैंने सेंटर में लगा लिया है एंड

to highlight my brow bone as well and my eye look is complete like minus the mascara and the eyeliner i have a very cool shit for the eyeliner it is amazing to फटाफट से यही सेम इस आई में भी कर लेती हूं एंड आई विल बी राइट बैक now that that's done the final verdict on this palette is that blusher is a 10 on 10 eyeshadow का थोड़ा सा पैन में केक बैक या फॉल आउट जो भी बोलते हैं वही है वेन एवर आई एम डिपिंग माई ब्रश इन दिस थोड़ा सा पाउडर पाउडर हो जा रहा है एंड देन आई हैव टू ग्लो इट ऑफ बट आइस पे जब मैं यूज कर रही हूँ तो कोई भी ऐसा फॉल बैक नहीं है मेरे अंडर आइस पे एक भी पाउडर नहीं गिरा है इतना सा भी सो so,

जिससे कि आप विंग आई बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू कैन सी एंड अदर साइड इज़ अ फेल टिप फेल टिप नहीं वैसा मार्कर वाला लाइनर ना वो मैं इसे यूज कर चुकी हूँ पहले एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल इसमें पसंद नहीं आई द स्मेल लाइक इट्स स्ट्रेट अप स्मेल्स लाइक अ मार्कर जो परमानेंट मार्कर होता है ना इसकी वैसी वाली स्मेल है तो सबसे पहले हम ये स्टैम्प करने की कोशिश करेंगे ऑन बोथ द आइज़ तो मैंने इसको ट्राई किया था तो एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस हो रही थी कि दोनों तरफ पे ये स्टैम्प इक्वल एंगल पे लगाना सो आई शो यू इफ इट वर्क्स और नॉट सी इट इज सुपर पिगमेंटेड मतलब आप इसको हल्का सा भी टच करोगे एंड इट विल गिव यू अ जेट ब्लैक विंग एंड इसकी विंग की शेप इज परफेक्ट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल विंग आई हैव गॉट इन लिटरली सेकेंड्स लाइक आई एम क्वाइट अमेज्ड तो अभी मैं इसको बस ट्राई करना है कि दूसरी साइड भी एग्जैक्टली सेम एंगल पर बन जाए नाव माई आई लाइनर्स आर ट्वींस इट इज अट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से आप मतलब अगर दोनों साइड पे एंगल बराबर कर सकते हो सो इट इज अ गुड प्रोडक्ट लेट मी लाइन माई आईट ना आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा परफेक्ट मेरे आई लाइनर के विंग्स बने हैं लाइक दे लुक ब्यूटिफुल एंड ऐसा लग रहा है मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी बिकॉज दे लुक लिटली क्रिस्प एंड शार्प आई लव दिंग्स सो दिस प्रोडक्ट गेट्स एट ऑन टेन फ्रॉम मी बिकॉज ये वर्क काफ़ी अच्छा करता है अगर आप बिगिनर्स हो तो आप लोगों को आई लाइनर विंग्स बनाने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है इट वर्क सुपर सुपर गुड बस आप लोगों को थोड़ा सा एक आई पर ध्यान से करना पड़ेगा ताकि आपके दोनों एंगल्स अच्छे से आ जाएँ

नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी हाइड प्रोडक्ट ये जब से लॉन्च हुआ है तब से सबसे ज्यादा हाई क्रेज रेंज में से इसी प्रोडक्ट का है तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट ऑल दो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है सो द वॉल्यूम वाला साइड है उसका जो वॉन्ड है वो काफी ज्यादा थिक एंड सर्क्यूलर है ओके द पैकेजिंग इज वेरी फ्लिमजी ये बिल्कुल निकल ही गया है दूसरा साइड अगर हम देखें विच इज़ द लेंदनिंग साइड तो इसका वॉन्ड सेम वैसा ही सिलेंड्रिकल है बट इट इज वेरी पतला कंपेयर टू द अदर वन तो सबसे पहले हम एक तरफ पे वॉल्यूम एंड एक तरफ पे लेंथनिंग वाला ट्राई करेंगे सो ऑन दिस आई एम ट्राइंग द वॉल्यूम वाला साइड आई सी समिंग बट आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गेटिंग नॉट तो सबसे पहला जो मेरा इम्प्रेशन है ये वॉल्यूम वाला साइड का इट हैज़ डेफिनेटली कर्ल्ड माई लैशेज ब्यूटिफुल आई एम गेटिंग कॉफी जिटर्स मेरे हाथ बिल्कुल शेक कर रहे हैं आई जस्ट हैड अमेरिका नो बट या तो डिफरेंस तो काफ़ी ज्यादा दिख रहा है यू कैन सी नो मस्कारा एंड मस्कारा देर इज अ लॉर ऑफ डिफरेंस सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मस्कारा की लगी दैट आई रियली लुक आउट फॉर इन मस्कारा इज दैट इट्स सेपरेटेड माई आई लैशज ब्यूटिफुल क्लम्प नहीं हुई है एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो इन विद अनादर कोट बिकॉज आई थिंक इट लुक्स गुड And now I want to try out the lengthening mascara on the other side just to compare the difference between the two. So first impression, ye utna zyada separating nahi hai and I think it is lengthening my lashes. It definitely is. मेरी ये वाली lashes, इन वाली lashes से एकदम लंबी लग रही हैं. I can clearly see the difference. I don't know if it is showing up on the camera or not. I would say ये उतना ज़्यादा volumizing है नहीं जितना इन्होंने claim किया है. But it is separating and the eyes look more open so it is a good mascara but this side is amazing like my uh, like my lashes are actually lengthened मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये वाली side ज्यादा मुझे पसंद आया है so i'll apply it on the lower lashes as well gets a thumbs up from my side everyday functions perfect sorted तो ये sws beauty का मेकअप फिक्सर है ये मेरा फर्स्ट मेकअप फिक्सर था मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब से आप मेरे वीडियोस में ये वाला फिक्सर देख रहे होंगे.

बट आई काइंड ऑफ डोंट माइंड दिस वन दैट मच बिकॉज मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ दो सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड इट वर्कस रियली ग्रेट ये आपके मेकअप को बहुत अच्छे से लॉक कर देता है एंड गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिनिश टू यूर मेकअप एंड सो आई डोंट माइंड यूजिंग दिस वन एंड इट रियली इज़ अ गुड मेकअप फिक्सर सो या इफ़ यू आर इन अ बजट एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ मेकअप फिक्सर यू कैन चेक दिस वन आउट एंड इट क्लियरली मैंशन इट हैज़ फ्रेगरेंस बट अप टू यू आई लिव दैट अप टू यू बट इट इज अ गुड् नो डाउट तो स्विस्ट ब्यूटी की मैंने काफी सारी नई लिपस्टिक्स खरीदी है मैं लिंक कर दूंगी वो वीडियो मैंने सारी शेयर करी थी बट एक लिपस्टिक थी जो मैं उस वीडियो में शेयर करना भूल गई थी आप लोगों के साथ वो दिस ये स्विस् ब्यूटी की जेल लिपस्टिक है आई थिंक या जेल लिपस्टिक इट इज़ अ कलर चेंजिंग जेल लिपस्टिक सो ये वाली मेरे पास जीरो वन पिंक कलर में इसमें दो और कलर्स है ऑरेंज और रेड वो मैंने अभी नहीं लिए हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू टू ट्राई इट आउट सबसे पहले ये देखो कितनी सुंदर है इट इज़ लिटरली ट्रांसपेरेंट टाइप की पिंक कलर एंड इसके अंदर बहुत ही सुंदर शिमर ग्लिटर पार्टिकल्स है जो कि लिप्स पर नहीं आते हैं ऑनेस्टली अगर मैं इसका हैंड्स वॉच आप लोगों को दूँ सो इट लुक्स सम वॉट लाइक दिस स्टार्टिंग में इट लुक्स ट्रांसपेरेंट एंड धीरे धीरे विथ टाइम आपके यू uh, नो you know, लिप के पीएच लेवल या हीट के साथ ये रिएक्ट करके इट गिव्स अ ब्यूटीफुल पिंक कलर एंड इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन जस्ट गिव मी अ मिनट ओके नाउ दैट आई हैव अप्लाइड इट ये बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है अभी धीरे धीरे इट विल डेवलप इनटू अ ब्यूटीफुल पिंक कलर मजेंटा फूशिया टाइप का पिंक कलर मेरे लिप्स पे डेवलप होता है काफी ज्यादा नरिशिंग लगती है इट फील्स लाइक अ लिप ऑइल एंड इट इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल यू विल नॉट फील दट यू हैव एनी लिपस्टिक ऑन बट द कलर देखो धीरे धीरे इट इज गेटिंग डीपर इसको मैंने लगा के देखा था पूरे दिन सो द थिंग इज की ये जो इसका लिप ऑयल है थोड़े टाइम लिप ऑइल वाला टेक्स्चर है थोड़े टाइम के बाद इट विल वैनिश एंड uh, अगर आपके लिप्स ड्राई या चैप्ड हैं तो फिर वो सारी लाइंस और ऐसे क्रस्टी क्रस्टी दिखने लगेगा सो मेकश्योर अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप अच्छे से अपने लिप्स को लिप बाम वगैरह से मॉइस्चराइज कर चुके हो उसी के बाद आप इसको लगाना आई डोंट नो इफ दैट इज़ ओनली विद मी और इट हैज़ समथिंग लाइक दैट बट इसका टेस्ट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी इट इज़ वेरी वेरी बिटर अजीब सा इसका टेस्ट है सो या दैट इज़ दैट सो या दिस इज माई लुक कम्प्लीट यूजिंग ऑल स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट ट थम्स अप एंड मुझे नीचे कॉमेंट्स पर जरूर बताना कि ये सारे प्रोडक्ट्स में से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो वट अदर काइंड ऑफ वीडियो यू वॉन्ट मी टू मेक एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इट दट रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बिल राइट नेक्स्ट वीक so that every time i upload a new video you get notified now i will see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye